विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये तो अडे देखो मैं हूं ही एक एग्जाम्पल दे के आया हाँ कि वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है जेड़ा तुहाडा लिया जाता है, इहदे विच तुहाडा सिलेबस दिता गया है कि तुहाडियां सारियां आइटम सिलेबस नाल मैच कर दियां हन जां सब तो ज्यादा मैच कर दी है, ते ओह आइटम वैलिड हुंदी है जिहड़ी मैच कर दी है। तुसी सिंपल कहने हो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, याद रखना है वैलिडिटी नूं इदां याद रखो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ते ये जिहड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है यूजीसी लैवल दा क्वेश्चन है, यूजीसी दे फर्स्ट पेपर विच रिसर्च एप्टीट्यूड है उच्च आ सकता है जां तुहाडे सब्जेक्ट च आ सकता है, वेरिएबल पूछा गया है, ठीक, वेरिएबल दियां एग्जांपल दित्तियां गईयां हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक याद रखनी है नॉट ते असी मतलब के दो तीन चार क्वेश्चन एक बच्चा इसे गलत कराता है कि उसने नैगेटिव शब्द नहीं विच पढ़िया हुंदा, इसलिए तुसी उन्हों अंडरलाइन करना है, अखां उत्ते पईयां रहिंदियां ते उसनू याद रहिंदा है कि मैं नैगेटिव शब्द लभना है। अच्छा सानू डिस्क्रीट वेरिएबल दा मतलब नहीं पता, शायद वेरिएबल दा भी मतलब नहीं पता, ठीक, वेरिएबल कोई भी अजिहा किसी भी चीज दा अजिहा करैक्टरिस्टिक जिहड़ा वेरी करता है, चेंज है, जिहड़ा स्टेबल नहीं है, जिहड़ा कॉन्सटेंट नहीं है, ठीक। मैं दो एग्जाम्पल दिना हाँ कि सारे एक क्लास विच सब विद्यार्थियों की एज सेम है, कि एक स्कूल विच सारे विद्यार्थियों का जेंडर सेम है, हाँ हो सकता है कि गर्ल्स बॉयज जे कॉम्बीनेशन वाला है तो फिर वो वेरिएशन होएगी, ठीक है, जे कल्ला गर्ल्स स्कूल है इट मीनस जेंडर उत्थे कॉन्सटेंट है, जे एज कदे भी कॉन्सटेंट नहीं होएगी, सब दी एज इस तरह नहीं हो सकता 14 साल है 14 साल 3 महीने है 14 साल 3 महीने 2 दिन है 14 साल 3 महीने 2 दिन 3 घंटे है, इस तरह नहीं होएगी, ठीक। और एग्जाम्पल दे देना कि सारे एरिया ऑफ लिविंग सब दा सेम है, नहीं, कुछ रूरल च है कुछ अर्बन च आंदे ने कुछ सेमी अर्बन च आंदे कोई स्लम च आंदे है, जिहड़ी चीज वेरी करदी है वो वेरिएबल है, ठीक। तुसी होर एग्जाम्पल लेनी है, हाइट सब दी सेम है, नहीं, वेट सब दा सेम है, नहीं, एटीट्यूड टूवर्ड एजुकेशन सब दा सेम है, नहीं, ये सारे वेरिएबल ने। अच्छा इंटेलिजेंस सेम है सब दी, इंटरेस्ट किसी एक्टिविटी से सेम है, सो नहीं सेम, जो सेम नहीं है वेरी करता है वो वेरिएबल है, ओके, और वेरिएबल है, वेरिएबल नु दो भागों में वंडिया जाता है, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिकल है, तो सानू एक निक्का जिहा नुक्ता देना हाँ जिस नाल तुसी कुछ वेरिएबल है जिसनु फ्रैक्शन विच डिवाइड किया जा सकता है, देखा जा उन्हें मैयर किया जा सकता है, दूसरा नू होल विच ही देखा जा सकता है, तो उसी देखो कि किस दी असी वटियां विच वंड कर सकते हैं, ठीक है, जब पॉइंट विच वटे नहीं है फ्रैक्शन नहीं है, तो जिदा 8.31 जो भी अगे भी कर सकते हैं 3.1 कुछ 0.1 ओके। की जेंडर नू वटियां च कर सकते हैं असी, नहीं, होल ही देखना पड़ा, जा मुंडा है जा कुड़ी है जा ट्रांसजेंडर है, ठीक, बटी मैरिटल स्टेटस जा व्याया है जा मैरिड है अनमैरिड है जा डिवोर्स है जा सेपरेट है, कैटेगरी ने होल दिया होल, तुसी साढ़े साढ़े व्याया है जा साढ़े नो सेमी व्याया है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल है अर्बन है स्लम है, ठीक है, ये नहीं कह सकते, साढ़े तीन गुणा साढ़े कुछ भी नहीं, वटियां विच कुछ नहीं आ सकता। एज देखिए तां एज किन्ने साल दा है जी, 18 साल दा है, ठीक है जी, कि इहनूं वटियां च कर सकते हैं, हाँ जी जी 18 साल दा है कर सकते हैं जी। अच्छा वो 18 साल 6 महीने 3 हफ्ते 11 दिन 3 घंटे 5 मिनट तीन, माई गॉड, तुसी किसी भी पॉइंट तक अगे डिवीजन करते जा सकते हो जो कंटीन्यूअस वेरिएबल हुंदा है, ये मैं दस्या जिहड़ा जिसनू तुसी होल विच ही रख सकते हाँ, फ्रैक्शन ते डेसिमल्स नहीं रख सकते ले जा सकते, उसनू डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है, और जिसनू इस तरह तुसी कर सकते हो फ्रैक्शन विच दूसरा है डेसिमल विच उसनू कंटीन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है।
पता नहीं इस तरह का क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा या नहीं। अच्छा अगे है एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल इज इत जो भी तुसी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है के एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इतने अंडरलाइन किस गल नू करांगे परफॉर्मेंस एक मिनट परफॉर्मेंस मीन है इन प्रैक्टिकल ठीक हुने असी ओ भी करके आए हाँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट उस विच एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी सी जिस विच डूइंग है परफॉर्मेंस ही डूइंग हुंदा है कदे भी कोई क्वेश्चन जे उत्थे तुसी कंफ्यूज हुंदे हो ता इस नू मन विच इमेज बना लो इमेज जरूर बनाओ इमेज एकदम बनाओ सामने पर इमेज केड़ी बनानी है जो अपनी एग्जाम्पल बेस्ट रखनी है इत्थे आपां केड़ी एग्जाम्पल लै सकते हां साडे को ऑप्शन भी देख लिए केड़ी है इंटरव्यू ऑब्जर्वर क्वेश्चन है रिटन टेस्ट ठीक साडे को एग्जाम्पल केड़ी है नंबर एक लैबोरेटरी दा प्रैक्टिकल जरूर हर वक्त सामने रखो इत्थे बच्चियां नू कुछ एक्सपेरिमेंट दिता गया है ओदी ऑब्जर्वेशन है नोट करनी है बाद विच जो एग्जामिनर है जां ऑब्जर्वर है वो नाल नाल उन्हां नूं वेखदा है जां नहीं देखदा है ए इंडिया दा हाल है कि देखदा है नहीं देखदा है किन्ना देखदा है ठीक पर हर इंडिया दे उहदे विच लास्ट ते वाइवा हुंदा है हुण साडा क्वेश्चन अग्गे जाके शायद कंफ्यूज हो जाए। दूसरी साडे कोल एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स दे प्रैक्टिकल हुंदे हन गेम्स दे प्रैक्टिकल हुंदे हन उहदे विच भी की है कि जो एग्जामिनर है ਉਹ ਰੋਲ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਵੇ ਆਫ ਅਸੈਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਸਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਚ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ प्रैक्टिकल लाइफ तो इस तरह है ना पेपर विच लाइफ तो नहीं है ना उत्थे आइडिया झूठे भी हो सकते हैं अच्छा रिटन टेस्ट तो निकल गया रिटन टेस्ट नहीं हो सकता हुण ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्म करते हुए नाल ऑब्जर्वर उन्हां नूं ऑब्जर्व कर रहा है कि केड़े बच्चे ने बैटर परफॉर्म किया तुसीं क्रिकेट का मैच देखते हो तुसीं उसकी इंटरव्यू लेंदे हो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਟਰ ਖੇਡਿਆ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਟਰ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਐਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਸੈਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਦਾ ਜੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੰਜ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਗਰੀ ਐਗਰੀ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਗਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਨੇ ਹਨ
दूसरे पासे साडे को क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे विच सेम स्केल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इहदे विच पुछया गया है कि ऑन एवरेज मील तुसी कितना स्कूल विच खांदे हो, एक हां एक वीक विच कितना मील लगता है, ठीक है। मान लो मिड डे मील का सर्वे हो रहा है, उहदे विच क्वेश्चनर है, ठीक है, एक किलो ए पर बच्चा, एक किलो जीरो तो एक है, दो तो छे है, सात तो तेरह है, चौदह तो उन्नी है, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट देयर चूजन प्रिपेयर्ड। अच्छा तुसी जो हफ्ते विच मिड डे मील विच जिहड़ा खाना बनाते हो वह इस लिस्ट विचो केड़ा केड़ा चुनिया जाता है, फ्रूट चुने जाते हैं, वेजिटेबल्स चुनिया जाती हैं, आ चुने टिक लगाने हैं। सो इस तरह वैरायटी दे रिस्पांस कैटेगरी इतने चार हो गई, इतने सात हो गई, अगले ते यस नो दो हो गई, उत्थे सब दी पांच सी, ठीक है। स्केल ते क्वेश्चनर विच फर्क है। हुण की मैं परफॉर्मेंस वो गेम्स खेड रहे हैं, की वो लैबोरेटरी टेस्ट दे रहे हैं, की मैं उन्हां को इस तरह के क्वेश्चन पूछांगा कि बेटा हुण इन्हां दे क्वेश्चन दे आंसर दिओ, कि मैं ऑब्जर्व करांगा जां इंटरव्यू लवांगा। इंडिया दे विच की होना मैं दस दिंदा, इंडिया विच हम साडे कोल ए भी रिजेक्ट हो गया 100% के क्वेश्चन भी कांटा है, रिटन टेस्ट भी कांटा है, ये आपस च वैसे मिलते ही ने। हुण इहदे विचों है कि जिहड़े परफॉर्मेंस है उस नूं देखिया जांदा है, ऑब्जरवेशन मीन कि तुहाडियां अखां देख रही हैं, ठीक। ये दो अखां ऑब्जरवेशन देख रही हैं, क्योंकि असीं जानते हाँ 83% एनर्जी इनफॉर्मेशन साडे अंदर अखां ते कन्नां दे जरिए ही जाती है, ठीक। जा मैं उन्हां दी इंटरव्यू लवांगा, क्रिकेट विवाद तो बाद कदे इंटरव्यू ली है, गेम्स तो बाद बल्ले बल्ले किसी बच्चे ने बहुत अच्छा खेलिया, डांस किसी ने बहुत अच्छा किया, बाद विच उसकी इंटरव्यू ली जाती है कि तू अच्छा खेलिया कि नहीं खेलिया। हाँ उसते रिफ्लैक्शन हो सकती है, उसनों इंप्रूव करने लिए होर हो सकता है, उस दे मन विच थॉट प्रोसेस कितना चलते सी वो हो सकता है, पर सब तो पहला तो निरीक्षण ही होएगा, ऑब्जर्वेशन होएगी ना नंबर वन ते। दूसरे नंबर ते इंटरव्यू उसकी परफॉर्मेंस नू जानने लिए नहीं, वो तो दिखती है भी अखां दी है तुहाडियां, देख लो ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड कर लो, कैमरे नाल रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल ते रिकॉर्ड कर लो, अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ है इस तरह का सॉन्ग है उसनू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जेडे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जेडे इंटरनेट ते इस दी की दित्ती हुई है, इस दे आंसर जिन्हां ने दित्ते हुए हैं इन्हां चो बड़े ही गलत आंसर दिते हुए हैं, तुसी उन्होंने फॉलो कर लेंगे। हाँ मैं चाहना हाँ कि तुसी खुद सोचो, तो बेशक तुहाडा जवाब उन्होंने मिले ना मिले, तुसी अपनी रीजनिंग ते राइट होने चाहिए हैं। सो मेरे मुताबिक 100% ऑब्जरवेशन होनी चाहिए है। दूसरे नंबर पर इंटरव्यू या वाइवा जिसनों असं कह दें हाँ वह भी रिफ्लैक्टिव होता होना चाहिए है, अदरवाइज इमोशनल लैवल से उसका ज्यादा कोई तुक नहीं बनता। सो यही क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच इज यूज टू मोनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग। ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग शब्द क्यों मैं अंडरलाइन कर रहा हाँ, सॉरी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मीन टीचिंग, ठीक। इंस्ट्रक्शन का टीचिंग भी फर्क किया जाता है, फॉरन च इंस्ट्रक्शन शब्द है वह चक चुके हैं लै चुके हाँ, ठीक। साढ़े को है डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव समेटिव ते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। पीटेट सीटेट जां तुहाडे उन्हां लई मैं काफी मेहनत कीती सी इहदे विच असैसमेंट दे टाइप्स समझण विच, ठीक है। लेकिन वो वीडियो इन्ने लंबे बन गए कि किसी ने शायद एक्सैप्ट नहीं किते, मैं डिस्करेज हो गया, इसलिए मैं अपलोड ही नहीं किते। जे तुहाडी रिक्वेस्ट होएगी ऑर्डर होएगा तो मैं वो अपलोड कर दांगा। कुछ एक वीडियो मैं बनाए हुए सी, ईवन इन्होंने सरफेस लैवल का क्या गया है ओदे विच मैं इस स्लाइड दियां तुसी देखो 144 स्लाइड्स ने इन्नी इनडेप्थ विच डायग्नोस्टिक असैसमेंट फॉर्मेटिव असैसमेंट समेटिव असैसमेंट दैन प्लेसमेंट होर टाइप की असैसमेंट दियां हन, पर उस तो बाद असी एक बार ये लर्न कर लेने, मैनू पता नहीं लग रहा है कि तुसी इस तरह पढ़ना चाहते हो कि नहीं। जे उस तो बाद उसने टू फाल्स जां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल उस तो बाद लगभग 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैनू लगता है, मैं गलत हो सकता हाँ, पर नहीं हुण ब्रीफ च कराना पड़ेगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं तीन भागां च वंडिया जाता है, टीचिंग तो पहला ड्यूरिंग टीचिंग, क्लास च चले गए हो, क्लास तो बाद,
ठीक है, इसनों ब्रॉडली देखना है तां भी देख सकते हो कि नवा सेशन जा नवी टर्म वो भावे एक महीने का है, दो महीने का, चार महीने का है, वो शुरू करन तो पहला, वो शुरू करन दे विचकार, उस तो बाद इवैल्यूएशन, ठीक। बिफोर जिहड़ी असैसमेंट हुंदी है हमेशा ही डायग्नोस्टिक होगी, इसनों इस तरह मन के चलो कि ये डोमीनेट करेगी हर हालत विच। डोमिनेट केड़ी करेगी, जिदा कि इत्थे क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्नोस्टिक असैसमेंट ए बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेज होएगी। डायग्नोस्टिक प्रोसेस दे विच दो चीजां तुसी आइडेंटिफाई करदे हो, बच्चे विच नेगेटिव की है, उन्हें लर्न की नहीं कीता, उसदियां वीकनेसेस की है, उसदियां एरर्स की ने, ठीक है, उसनों डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिवें ईशान नूं तारे जमीन पर विच डिसलेक्सिया या लर्निंग डिफिकल्टीज होंदियां हन, दूसरे उसने पॉजिटिव की अचीव कर ले हो, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आज तक पेपर सेटर ने सोचा ही नहीं है कि पूछा जा सकता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट विच नेगेटिव ही देखा जाता है या पॉजिटिव देखा जाता है या दोनों देखे जाते हैं। अच्छा, जेडे नेगेटिव हैं उन्होंने दूर करने लई कमियां दूर करने लई, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास विच है मल्टीप्लीकेशन के तीन बच्चे मैं पाए कि बहुत वीक हैं, मैं तीन बच्चे अलग तो टीच करना शुरू कर दिता एक हफ्ते के प्रोग्राम बना के, उसनों रेमीडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसैस है, डायग्नोस्टिक प्रोसैस का मतलब सिर्फ वीकनेस ही सी, जहां उसने थोड़ा शिफ्ट होना है, यार एक को बनाया गया है कि उसने फॉर्मेटिव में शिफ्ट होना है, नहीं, जो बच्चे को पॉजिटिव सी, पॉजिटिव की सी, जो प्याजे की थ्यूरी असी पढ़ी सी, स्कैमा पढ़िया सी, स्कैमा पे बड़ी लंबी वीडियो बनी है, शायद किसी ने देखी हो, मेरिया वीडियो नहीं पसंद होंदिया, लंबिया काफी होंदिया ने, कोई गल नहीं, जो स्कीमा ने जो पीके है प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उनका पॉजिटिव है, उनको ऑलरेडी लर्न है, वो लर्न क्यों है, क्योंकि पीके नाल ही, ये अगला आंसर बन रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का की आंसर होएगा, पीके नाल ही न्यू नॉलेज नु जोड़ना है, इतने न्यू नॉलेज हम बच्चे नु देनी है ना, तुसी क्लासरूम दे विच जाके वो पुरानी नॉलेज नाल उसनों लिंक करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट विच तुहानू उहदा पता लग जांदा कि बच्चे को ए है, इट मीनस डायग्नोस्टिक टेस्ट तुहाडी लैसन प्लैन करन विच भी हेल्प करेगी, क्वेश्चन बनता है, ठीक। सो जो शुरू हो गई है उदो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुरू हो गई है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जिहड़ा बेसिक चीज की है फीडबैक, ठीक, फीडबैक बड़े तरह की है, मैं जो फीडबैक बारे पढ़ना शुरू किया इनिया स्लाइड्स लगभग ओदियां बना लिया, वो दो तीन तरह के वो पेपर वो भी मैं अपलोड नहीं वीडियो कर सकिया या कीतियां नहीं, ओके। सो फीडबैक जिहड़ी है फॉर्मेटिव दे विच इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है, मेरे ख्याल नहीं इस पेपर सैटर इन्ना पढ़ के कदे पेपर सैट करेगा, इंडिया का विभाग खुलन के फॉरन वांग उन्होंने भी क्वेश्चन पूछने पैंदे आ, दसा असीं 150 क्वेश्चन पूछ के भी अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर सके, कारण की है कि पुअर जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन मैं पिछे दस के आया हाँ, आइटम एनालिसिस, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, साढ़े क्वेश्चन का अच्छा नहीं हुंदा, सानू क्वेश्चन अच्छे बनाने नहीं आए, ठीक है। सो फीडबैक वापस आ जाइए, फीडबैक ए फॉर्मेटिव विच इमीडिएट फीडबैक ते डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, क्वालिटेटिव फीडबैक, ओके। वो जिहड़ी है इनफॉर्मेशन फीडबैक की है उसनों समझ लीजिए, जो बच्चे ने परफॉर्मेंस की, फॉर एग्जाम्पल पिछे असीं गेम्स देख के आए हाँ, बच्चे ने लैब च एक्टिविटी की, चलो समेटिव असैसमेंट चल रही थी, फीडबैक दी है, मान लो मैं स्कूल का टीचर हाँ तो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चों ने जो परफॉर्म किया है उसकी इनफॉर्मेशन उन्होंने देना है कि बच्चा तू इतों ठीक किया, इतों थोड़ा गलत किया, ठीक है, वह दसन का एक तरीका है, वह भी शामिल फीडबैक विच, प्लस वो इनफॉर्मेशन, वो इनफॉर्मेशन अनबायस्ड होनी चाहिए है, बायस नहीं होनी चाहिए, खैर वो फीडबैक दे बेस ते, मैं क्यों बार बार फीडबैक मंगदा, मैनू स्टूडेंट्स हजे तक नहीं मिले जिहड़े मैनू डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे सकन, डिस्क्रिप्टिव कि सर फॉर एग्जाम्पल जे तुहाडे वीडियो दा टाइम लंबा है, सर तुसी एक कंसेप्ट नू बड़ी इनडेप्थ ले जांदे, इन्नी जरूरत नहीं है, एग्जाम च नहीं पुछा जांदा, सर तुसी कई गल्लां नू बार बार रिपीट करदे हो, ठीक है, सर तुहाडा तुसी राइट आंसर नहीं लिखदे उत्ते टिक नहीं मारदे, इह हुण दी फीडबैक जिहड़ी मैं बड़ी मुश्किल नाल भिखारी वांग मंग मंग के लई है। अच्छा,
मैट्रिक क्यों नहीं कई बार मारदा, क्योंकि साडा इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसने साडी रीजनिंग दा बेड़ा गर्क कीता है। जब तक तुहानू राइट रिस्पॉन्स नहीं पता, तुसी रीजन करदे रहोगे, थिंक आउट करदे रहोगे। जदों तुहानू रिस्पॉन्स पता लग जांदा है, थिंकिंग रुक जांदी है, खत्म हो जांदी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने रीजनिंग डिवेलप, थिंकिंग डिवेलप करने लिए कहा सी, लेकिन एम असी बड़े बढ़िया लिखे हैं करदे असी नहीं हाँ। सो फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक की है कि पॉजिटिव आ गई मेरे बारे, मान लो परफॉर्मेंस जिन्हें दिखी है पॉजिटिव आस्पेक्ट और नैगेटिव आस्पेक्ट। पॉजिटिव आस्पेक्ट नो रिटेन रखना है, शाबाश बेटा एक तेरी खूबियां हैं, ये इसी तरह आ गई परफॉर्मेंस। नैगेटिव जो है इसनों रिड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनू जिदा नैगेटिव फीडबैक मिली है कि सर तुसी कुछ गल्लां रिपीट करते हो, ठीक है, मैं एम्फेसाइज करना हुंदा है, शायद इसलिए करता हूं सर तुसी जिहड़े क्वेश्चन का आंसर इस तरह, ठीक है, मैं उसनों हुण करैक्ट कर लांगा, ठीक आंसर देना शुरू कर दांगा। सो परफॉर्मेंस फीडबैक ना इंप्रूव हुई है। सो फॉर्मेटिव असैसमेंट विद द परपज ही इंप्रूवमेंट है कि बच्चा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। होर क्वेश्चन जिहड़ा आ सकता है कि फॉर्मेटिव असैसमेंट नॉन थ्रेटनिंग हुंदी है, टेंशन नहीं दिंदी, हाई स्टेक नहीं हुंदी, ठीक। हाई स्टेक जिहड़ी लास्ट परफॉर्मेंस सबमिटिव ते इफेक्ट ना पावे, ठीक। असीं सीसीई विच कर रहे हां 40% वेटेज जिहड़ी है जनरली इहनूं दित्ती जांदी है, सबमिटिव नूं 60% दित्ती गई है। इह एक बार क्वेश्चन पुछिया भी जा चुका है। सो फॉर्मेटिव असैसमेंट विच इस तरह फीडबैक दा असैसमेंट कीती जांदी है कि बच्चा इंप्रूव कर सके। हुण टर्म दा एंड हो गया, बेशक 2 महीने ही, 4 महीने ही, सेमेस्टर सी, कुछ भी सी, एक यूनिट सी, उस दी एंड विच तुसी ये देखना चाहुंदे हो कि टोटल जिन्ना मैं इस टर्म विच सिलेबस कराया है, मैं क्या बेशक 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, एक यूनिट भी हो सकता है जिहड़ा 2 हफ्तियां विच, 3 हफ्तियां विच, 1 महीने विच, 1 हफ्ते विच करना है, उदो जो तुहाडा पर्पस है टोटल नूं एवैल्यूएट करना, टोटल नूं। हुण उसनूं इमीडिएट फीडबैक नहीं देनी, ठीक है, डिलेड फीडबैक हो सकती है, इमीडिएट नहीं, और ओ जो आ गया रिजल्ट ओ उन्नू फाइनल समझा जाता है, ते ओ जिहड़ी असैसमेंट है उसनू समेटिव असैसमेंट किया जाता है। इन्हां दे दूसरे नाम भी हन, थोड़े जे कन्फ्यूजिंग हन। जो समेटिव असैसमेंट है उसनू असैसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ठीक है, याद रखने लई वधिया तरीका है। असैसमेंट फॉर असैसमेंट फॉरमेटिव फॉर लर्निंग, ये याद रखने दा कोग्निटिविस्ट जां निमोनिक्स ने, फॉर इधर है फॉरमेटिव, फॉर लर्निंग असैसमेंट फॉर लर्निंग, ये सेम चीज है, ठीक। पर कुछ पार्ट मेरे मुताबिक, मेरे ते ना चलियो भी किताबां वाला आंसर उन्होंने पूछने हैं, चलो ऐसा कर देना। सो डायग्नोस्टिक दा प्राइमरी पर्पस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, इसको अगले पर्पस भी हो सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग है, ठीक। फॉर्मेटिव दा मेन पर्पस इंप्रूवमेंट है, सबमेटिव दा ओवरऑल पर्पस है, ओवरऑल जो है जिन्ना टीचिंग लर्निंग लर्निंग मटीरियल दिता गया है, नॉलेज दिती गई है, उसनों असैस करना, उन्हां स्किल्स नूं असैस करना, प्लस सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेट देना, ठीक। ए सी जो असैसमेंट बारे ब्रीफ। सो साडा क्वेश्चन की है, क्वेश्चन साडा सी द टाइप ऑफ एवैल्यूएशन। देखो कितने एवैल्यूएशन कितने असैसमेंट कितने फर्क भी पूछ लेंदे ने, हालांकि क्लीयरली कितने भी इंडिया नू डॉक्यूमेंट भी बच्चों नू प्रोवाइड करना चाहिए, ऑथेंटिक है, कितने पता करिए कि यह एवैल्यूएशन ते इहदे विच फर्क है। फॉरन वाले कुछ होर फर्क करते, असी कुछ होर फर्क पे कंसेप्चुअली कुछ है, प्रैक्टिकल च कुछ होर है। सो यह कन्फ्यूजन टेंशन वाली गल्लां होंदियां हन, पर कोई गल नहीं, इन्नी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जे ठीक है तो ठीक है आंसर। मोनिटर लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग, ठीक, ड्यूरिंग असीं हुण करके आए हां, लो जी मैं सर्कल मार दिता, दिस इज राइट आंसर, ओके। ये आफ्टर है, ये बिफोर है। हाँ, प्लेसमेंट सर्विस बारे भी जानना है कि तुसी किसे बच्चे नूं, मान लो किसे टीचर नाल जां किसे सब्जेक्ट नाल जां किसे टेक्निकल फील्ड विच उसनूं राइट प्लेस देना है, ठीक है। मैं 3 गल्लां बोल दित्तियां, राइट प्लेस देना है, उस कितना पता लगे कि उधर ही ए वाला फील्ड बेटर है जां दूसरा फील्ड बेटर है जां ए वाले सब्जेक्ट बेटर ने उधर ही
जैसे एग्जाम्पल ले लेने हैं, बच्चे लिए आर्ट्स या कमर्स या मेडिकल या नॉन मेडिकल, ओके जिहड़े सब्जेक्ट ने, जो आर्ट्स है तो उहदे वी उसने हिस्ट्री लैनी, पोलिटिकल साइंस लैनी है, ज्योग्राफी लैनी है, फिलोसफी लैनी, सोशियोलॉजी लैनी है, केड़े बैटर ने, उहदे लई कुछ प्रायर टेस्ट ले जांदे बच्चे दे, जिस तो हाँ समेटिव नू भी यूज किया जा सकता है, पिछली समेटिव नू भी प्लस यूज किया जा सकता है, मोस्टली प्लेसमेंट विच स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिहड़े पिछे असीं करके आए हाँ, जिदा इंटेलीजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तीन टेस्ट मैं दसे ने, क्वेश्चन बनता है आधार से, प्लस ए वाली इवेलुएशन करके इंटरव्यू भी करके फिर उसको राइट प्लेस उसके सूटेबल टीचर, सूटेबल अकेडमिक कोर्स या टेक्निकल कोर्स विच उसको प्लेस किया जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैटर आइटम ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन। साड़ी को ऑप्शन की है डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ इमोशन, एक्सप्लेन ईच न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन, ओके नेक्स्ट है व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो क्वेश्चन बनाते भी काफी कम किया होया मैं, जो भी कोई मोस्ट ब्रॉड जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसनो स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी वो पुअर क्वेश्चन होंगे है, इस विच तुसी देखो कि मोस्ट ब्रॉड क्वेश्चन कितने पूछा जाता है, कदे भी जो राइट ए नोट होंगे है, राइट ए नोट इट मीनस मैं कोई जो मर्जी लिख दो अवैल्यूएट वो की करे, अच्छे एग्जाम विच स्पेसिफिकेशन होएगी, क्वेश्चन विच स्पेसिफिकेशन होएगी कि एग्जैक्ट पूछा गया और जिसने एवेल्युएट करना है उसको क्राइटेरिया दिता जाता है, जेकर इसने आ वाले छे पॉइंट लिखे हैं तो ये वाली डेफिनेशन दिती है, जा आ पॉइंट इस दा मोशन दा एक्सप्लेन किया है, जा इस मोशन दा जड़ा है ये एग्जाम्पल दिती गई है, क्राइटेरिया दिते जाते हैं। ठीक है, फिर एवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव बनेगी एसे टाइप विच भी। हुन इत्थे दो तीन चीजां, कोई से भी क्वेश्चन नूं एवेल्युएट कदे भी करना है, इत्थे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक तो यह देखना है कि ब्रॉड जिहड़ा है पुअर है उसनूं सब तो पहला डिलीट कर लो जी, आपां सब तो पहला राइट ए नोट वाले नूं डिलीट कर दिता, ये तां कदे क्वेश्चन तुसीं बनाओ ही ना, पुछो ही ना बच्चे नूं, कदे भी ना पुछो, हालांकि हाउस टेस्ट अपने विच तुसीं साड्या विच देख लियो इस तरह ही जल्दी जल्दी यह लिखे हुए होंगे। मैं जो यूनिवर्सिटियां दे क्वेश्चन पाना हाँ तो इन स्पेसिफिकेशन उन्होंने कर दिना हाँ कि एदा एदा चलो मैं नहीं दसांगा, पता लग जाएगा नहीं तो कि यूनिवर्सिटी के केड़े एग्जाम पाना। ओके दूजी गल जिहड़ी क्राइटेरिया लेना है, एक असी लिया है किन्ना ब्रॉड या नैरो स्पेसिफिकेशन, दूसरा है कि एक्शन वर्ब यूज किया गया है, एक्शन वर्ब ए है, एक्शन वर्ब ए है, एक्शन वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड जो सब तो इंपॉर्टेंट साढ़े को क्राइटेरिया है ब्लूम दी टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, उसने एक्शन वर्ब दिते हैं जिस तो ये पता लगता है कि लेवल की है, क्रिएटिविटी लेवल, एवेल्युएशन, एनालिसिस, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, लोएस्ट लेवल नॉलेज, इंडिया इत्थे ही कदे जी रहा है, कदे कदे सह लैंदा इत्थे अंडरस्टैंडिंग ते आ जांदा है, इस तो इलावा नहीं। हुण इत्थे की है क्वेश्चन, वट वाला क्वेश्चन इत्थे वीक है, वट वाली वर्ब ही नहीं मिल रही पहली गल है, इस दे आधार ते असी दूसरा जिहड़ा है इस नूं सीधा डिलीट कर सकते हाँ, वट आर ए भी एदे वांगू जस्ट ठीक वेग ब्रॉड नोट स्पेसिफिकेशन। दूसरी गल है कि वट ते एक्सप्लेन ते डिस्कस, डिस्कस असी इत्थे देखते हाँ, डिस्कस अंडरस्टैंडिंग च है, मैं इत्थे देखिया है डिफरेंट डिस्कस, ठीक है तुसीं इह देखोगे कि डिस्कस जे इत्थे है डिस्कस इत्थे भी कितने मिल जाएगा, सो इहदे विच ते इह वाले डिस्कस ते इह वाले डिस्कस विच की फर्क है। ठीक, एक्सप्लेन भी इत्थे मिल जाएगा, एक्सप्लेन भी है, इट मीनस दोनों क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लैवल दे है, अगे नहीं जा रहे। हुण एक्सप्लेन ते एक्सप्लेन वह चीज हुंदी है जदों तुसीं किसी चीज का रीजन देना हुंदा है, ठीक, दूसरा किसी चीज नूं आसान करके दसना हुंदा है। ठीक, डिस्कस है कि अपने ओपीनियन नाल तुसीं दसदे हो, अपने लॉजिक दिंदे हो, अगे रखदे हो। सो इन्हां दोनों क्वेश्चन तो विच्चों जे ये दोनों टर्म वरतियां गईयां हन, इन्हां मतलब दोनों चो राइट आंसर है, हुण असीं स्पेसिफिकेशन ते उहनूं अपलाई करदे हां, डिस्कस न्यूटन लॉ ऑफ एक्सप्लेन ईच किहड़े शब्द ने स्पेसिफिकेशन वधा दित्ती, ईच
Newton's three laws. It means minimum three laws you are expected to. ठीक जो डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ किन्ने लॉज ये नहीं दसे गए ये थ्री शब्द ने स्पेसिफिकेशन करती फॉर एग्जाम्पल अगर तीन मार्क्स का छे मार्क्स का या टेन मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतो कलैरिटी होगी कि किदा मार्क्स दिते जाने हैं सो बेस्ट क्वेश्चन इन दिस एमसीक्यू इज सेकेंड ओके नेक्स्ट है स्पेशल नीड एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन गिवन टू वेरी स्पेशल पीपल गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोवाइडेड टू इंटेलिजेंट पीपल एस्टेब्लिश्ड बाय कॉलोनियल मास्टर्स हुन सानू एक कन्फ्यूजन पाई गई है कि देखो सब तो पहला इस क्वेश्चन की सब तो वध विशेषता की है डिलीट मैथड अपनाओ ये कोई गल ही नहीं बन रही कोई भी गल नहीं बन रही ठीक दूसरा इंटेलिजेंट पीपल कल्या अच्छा नू देना इदा मतलब है कि जेड़ा वीकन सेक्शन है इनिया पॉलिसी इनी रिजर्वेशन इन्ने इक्विटी इनिया जुड़िया है देखो लड़कियां लिए किन्ने वो स्कॉलरशिप्स है ना क्यों क्योंकि जेडे ग्रुप नाल इनजस्टिस होया सी वीकर नहीं उन्हां नू कहना लड़कियां नू वीकर नहीं कहना कदे भी नहीं हो ही नहीं सकदा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣ ਪਿਛਲੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੂ ਗਿਵ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ दूसरे नंबर ते रिजेक्ट हो रहा है वैसे तो सीधा ही आंसर जेड़ा है मिल रहा है इदे विच के गिवन टू द पर्सन ऑफ डिसएबिलिटीज ठीक इथे तुहानू इथे कुछ क्वेश्चन जेड़े पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट बारे है पूछे जा सकते ने जां पूछे जांदे ने ओ जान लेने जरूरी ने उहनां दी ब्रीफ समरी है के सब तो पहला ये एक्ट जिहड़ा पर्सन विद इसका नाम कुछ होर सी 95 विच पास होया है इस एक्ट नू जे देखना है ता हाँ 95 वाला पहला एक्ट जिहड़ा सी उसका नाम ये है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेरे मुताबिक ये क्वेश्चन कदे पूछा जा सकता है ये अजे तक नहीं पूछा गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज Protection of rights and full participation Act 1995 ठीक है बारे दे person with disability लिखा हुआ है लेकिन इसका exact name ये है इधे इस act में total 7 disabilities रखी गई हैं सर ठीक दूसरी जगह change आया है दिसंबर 2016 विच act जगह pass हुआ है article 253 दे under 7 तो disabilities 21 कर देती है गई मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जेड़ा है पेपर सेटर में यही पाया है यूजीसी नेट से इस बार भी पूछा गया है लगभग हर बार पूछा जाता है पहला किनिया सन 95 विच ते हुन किनिया सन ठीक है सो इस दा नाम जेड़ा सी ओ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये हो गया इदे विच नवी डिसेबिलिटी जेड़ी कैटेगरी नवी शामिल कीती गई ओ केड़ी है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जां लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट टाइम इस कीती गई ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है हुन वाली अमेंडमेंट जेड़ी है 2019 विच कीती गई इस तो बिना जे देखना चाहंदे हो के केड़ियां कैटेगरीज ने 5 कैटेगरीज फिजिकल डिसेबिलिटीज ने इंटेलेक्चुअल ने मेंटल ने डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस मल्टीपल डिसेबिलिटीज ये क्वेश्चन आमतौर पे बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नॉट एग्जिस्टिंग इन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ठीक सो इन्हां नू लर्न कर लेना चाहिए है इनाम याद करने औखे ने लेकिन लोकोमोटिव डिसेबिलिटी दे अंडर ए पांच आंदियां ने लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन सेरिब्रल पाल्सी डॉर्फिसम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसिड अटैक विक्टम्स बहुत जरूरी सन फिजिकल डिसेबिलिटी दे विच दूसरी कैटेगरी है विजुअली इंपेयर्ड
ब्लाइंडनेस जिसनू टोटल विजन जिहड़ा दी नहीं है 6/6 जीरो जिहड़ा दी विजन हुंदी है लो विजन जिहड़ी है पार्शली जिहड़े जिसनू विजुअली इंपेयर्ड भी किया जाता है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है फिजिकल इंपेयर्ड दी हियरिंग इंपेयर्ड जिन्हानू सुनाई नहीं दिंदा, एक डेफ है जिहड़े टोटली जिन्हानू सुनाई नहीं दिंदा, बाय बर्थ हो सकते ने, एक्सीडेंशियल भी हो सकते ने, हार्ड ऑफ हियरिंग जिन्हानू पार्शली जकट सुनाई दिंदा है। ए डी कैटेगरी है जिहड़ी नवी कैटेगरी ऐड कीती गई है फिजिकल डिसएबिलिटी च स्पीच एंड लैंग्वेज डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी विच स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज दे विच असीं जानदे हां तारे जमीन पर फिल्म है उसनू रिकॉल कर सकते हो, उसदियां चार उन्हें रीडिंग डिसलेक्सिया ग्राफ बनाना हुंदा है, डिसग्राफिया कैलकुलेट करना हुंदा, डिसकैलकुलिया एंड स्पीक फ्रेजिया डिसफ्रेजिया। ठीक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फिल्म याद रख सकते हो तुसी, माय नेम इज खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, उस विच शाहरुख खान ने इसे दा ऑटिस्टिक दा जिन्हें कम्युनिकेशन दी प्रॉब्लम होंगी है। नेक्स्ट कैटेगरी है मेंटल इलनेस दी, सॉरी नेक्स्ट टाइप है मेंटल इलनेस दी, नेक्स्ट कैटेगरी है डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय डिफरेंट क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल सेप्सिस, पार्किंसन डिजीज, ओके ब्लड डिसऑर्डर तीन ने, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया जिन्हां दे एचबी ब्लड नहीं बनता, सिकल सेल डिजीज, लास्ट मल्टीपल डिसेबिलिटीज मोर देन वन अबव स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटी का की मतलब होंदा है किसे कोई बच्चा मान लो विजुअली भी इंपेयर्ड है, ठीक है निगाह बहुत घट है या नहीं है, सुनाई भी नहीं दिंदा, दो डिसेबिलिटीज हो गई इनू भी मल्टीपल च गिनते हैं, जा कोई लोकोमोटर डिसऑर्डर है जा फिजिकल है पोलियो वाला है, इस तरह एक तो वद जिन्हां नूं डिसेबिलिटीज होंगी। अच्छा एक क्वेश्चन है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग वन क्यूज नॉट, अंडरलाइन करना पड़ेगा सर्कल करना पड़ेगा, क्यूज है इंपॉर्टेंट, नॉट इंडिकेट विजुअल प्रॉब्लम, नेचुरली विजुअल प्रॉब्लम है अपने सामने जिहड़ा ब्लाइंड पर्सन है जां बहुत कट जिन्हों दिखाई दिंदा है उसनों केड़ियां प्रॉब्लम आती हैं, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शन, यस किधर जाना है साफ दिखाई दे रहा है, फ्रॉइंग सानू एदा मीनिंग नहीं पता क्वेश्चन मार्क पा लिया, स्टंबलिंग सानू एदा क्वेश्चन नहीं पता, जिन्हां दी इंग्लिश रिच है उन्होंने पता होएगा दूसरे नूं नहीं पता होएगा, हुण मैं दसना कि इदां दे इत्थे वोकैबुलरी दी जरूरत है जां इत्थे बायलैंगुअल जिहड़ा तुहानूं पेपर दिता गया है क्वेश्चन पेपर दिता गया है उसका आसरा ले सकते हो। अनएबल टू एस्टीमेट डिस्टेंस, ठीक है ये अखा नाल क्लियर नहीं, ए भी है बिल्कुल ठीक, ए भी अखा वाले की प्रॉब्लम है, हुण स्टंबलिंग ते इस नूं देखना है इन्हां दोनों विचों की है, इहदे लई असीं जावांगे पंजाबी दे विच, किहड़ा संकेत बच्चे दीआं नजरां दीआं समस्यावां वल इशारा नहीं करता, ठोकर खाना ठीक उहदा आसार हो गया, वेरी गुड वेरी ईजी हो गया, त्यूड़ियां पाउणा ठीक है इस तरह बन जांदे ना इस तरह, सो इहदे विच समस्या त्यूड़ियां चढ़ाउणा समस्या है ही नहीं है, ये देखो तुसीं नैट ते जिहड़े आंसर दित्ते गए हन उहनां विच जिहड़ा आ आंसर दित्ता गया है कि ये राइट आंसर है, जिस दीआं अखां दी प्रॉब्लम है कि उसनूं ठोकर नहीं लग सकदी, असीं अक्सर कहिंदे हां कि वेख के चल अन्ना होया, ठीक पंजाबी च कहंदे ने, सो राइट आंसर ए है इहदी कोई समस्या नहीं है, त्यूड़ियां वी लोग चढ़ा सकदे ने जिहड़ा ने अखां दी कर सकदे आ, सो द राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉमन सेंस है, कोई वड्डी गल नहीं है, चिल्ड्रन विद स्पीच इंपेयरमेंट, स्पीच इंपेयरमेंट डिसफ्रेजिया दे नाल मैच कर रहा है, स्पीच मतलब बोलन विच जिन्हां नूं रुकावट है, ऑटिस्टिक भी इहदे विच शामिल कर सकदे हां, कैन बी असिस्टेड, असिस्टेड हेल्प किद्दां उहनां नूं कीती जा सकदी है अंडरलाइन करांगे, जिथे फोकस करना है उस वर्ड नूं अंडरलाइन कर लिया जांदा, ठीक स्पीच बोलन नाल संबंध है, एनकरेजिंग देम टू एक्सप्रेस थॉट इन क्लासरूम, हां
encouraging them to express thought in classroom, class bolanli kiya jave, helping him or her to pronounce correct sound, okay, helping him or her to hear his spoken error, referral to specialist for complete evaluation. हुण ये क्वेश्चन बहुत अबव एवरेज इसनूं कहा जा सकता है